चाहूंगा इस वक्त बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट के। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, इस हवाले से सूरत हाल जू का तू बरकरार रहेगी। ये सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इस वक्त फैसला आया है। जहांगीरपुरी इलाके को लेकर जहां पर इन्हदामी कार्रवाई की गई, सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। जहां पर कल उन्होंने रोक लगा दी थी, वहीं आज सुप्रीम कोर्ट के बाद ये फैसला आया है। जल्द तमाम फरीकीन को नोटिस जारी किया जाएगा, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। आपको बताते चले कि जहांगीरपुरी इलाके में जहां इन्हदामी कार्रवाई शुरू की गई थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाए और आज दोबारा समात शुरू हुई और समात के दौरान अब सुप्रीम कोर्ट में कुछ देर तक बहस हुई और बहस के बाद ही सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। जल्द तमाम फरीक को नोटिस जारी करेंगे, ये सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कहा गया है और मामले को फिलहाल जू का तू रखने का भी फैसला दिया है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जहां उन्होंने दोनों तरफ से दलायल सुनी है उसके बाद ही अपना फैसला सुनाया। सूरत हाल जू की तू बरकरार रखने का फैसला और साथ ही साथ जो फरीकें हैं उन्हें पहले नोटिस जारी की जाएगी। जल्द तमाम फरीक को नोटिस जारी करेंगे, उसके बाद ही इन्हदामी कार्रवाई शुरू की गई, क्योंकि जिसके पास ही इलीगल एनक्रोचमेंट, इलीगल जो ढांचे होंगे गैर कानूनी तौर पर, जहां पर भी गैर कानूनी ढांचे होंगे उन्हें मुनदिम किया जाएगा। लेकिन उससे पहले उन्हें नोटिस जारी की गई थी, क्योंकि कल जिस तरह से वहां पर लोगों ने शिकायत की है कि उन्हें ना ही नोटिस जारी की गई है, वो भी सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी गई है कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इस पर अब फैसला सुनाया गया है। आसिफ पर जिस तरह से अब ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, उन्होंने फिलहाल फैसला जो है कार्रवाई जू की तू बरकरार रखने का फैसला और साथ ही साथ ये भी कहा है कि जब तक ना उन्हें नोटिस जारी की जाएगी तब तक फैसला जारी रहेगा।